हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफएमसी के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो एएफएमसी के स्क्रीनिंग में जा रहे हैं वो इनरोल्ड है। तो हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, और किस तरीके से आप इंटरव्यू को टैकल करेंगे और वहाँ जाके क्या सिनारियो बनेगा उसको थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं आज के समय में। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आप अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर चुके होंगे कि आपका किस दिन पे आपका स्क्रीनिंग है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये चेक कर लिया होगा तो जो वहाँ जाने के बाद आपके पांच प्रोसेस होने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ जो पांच प्रोसेस लिखे हुए उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ट्राई टू वियर फॉर्मल्स, ठीक है ना, फॉर्मल्स पहनने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि ड्रेसिंग कोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। ड्रेसिंग सेंस आपका बेटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लड़की हैं आप तो आपके बाल जो हो खुले नहीं होने चाहिए, बधे हुए होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा वेल फॉर्मल में होने चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन होगा, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी इसमें दी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। एक एक चीज आपको दी हुई है यहाँ पे, इसमें लिस्ट दी हुई है, एक एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा वहां पे होगा टॉयलर का टेस्ट और पैट का टेस्ट, ठीक है ना। टॉयलर का बेसिक इंग्लिश टेस्ट होता है, बहुत आसान होता है, वो आप कर लोगे। अगर आप चाहते हो कैसे टेस्ट होंगे देखना जानना चाहते हो तो आप हमारा एएफएमसी का कोर्स ले सकते हो जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है ना। बहुत एग्जैक्ट टू सिमिलर टू एएफएमसी हमने कोर्स बनाया है, कई साल के बच्चों से बात करके और उस पर कई साल के बच्चों के एनालिसिस के बाद हमने उसको एक अच्छे से कोर्स बनाया है, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा टॉयलर का एग्जैक्ट टेस्ट पेपर देंगे कि कैसा दिखता है, ठीक है। पैट के पेपर्स देंगे, पैट में आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है कि किस तरीके की आपकी साइकोलॉजी, आप मतलब आप कैसे किसी भी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, ये वो चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा टेस्ट हम 10 टेस्ट और 5 टेस्ट पैट का अपने ऐप पे दे रहे हैं आपको। आप उसको कहीं भी आप रास्ते में जा रहे हो तो भी आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो जाओ ऐप डाउनलोड करो नीट शास्त्र, और वहां से आप फ्रीली उसको एक एक चीज देख सकते हैं। बाई करने के बाद ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हैं तो हम आपका एक मॉक इंटरव्यू भी कराएंगे। इंटरव्यू इज जस्ट सिमिलर टू जैसा एएफएमसी का होगा। बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लाइनअप है, ठीक है ना, जिनका जिनका जैसे जैसे डेट्स है उस हिसाब से उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं। आपके इंटरव्यू में जितने एक्सपेक्टेड सवाल एएफएमसी में पूछे जा सकते हैं वो सारे सवाल हम लोग आपको पूछ के पहले ही उसके लिए रेडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये टेस्ट देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा बोर्ड के सामने, ठीक है ना, ऑफिसर्स के सामने। इंटरव्यू में देखिए, मैं आपको बेसिक कुछ बातें यहाँ बता देता हूँ, बाकी जब आप कोर्स में हमारे अगर इनरोल्ड हो गए तो वहां पे आपको आपके इंटरव्यू के बाद आपकी एनालिसिस जब दी जाती है तो उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इंट्रोडक्शन अपना तैयार करके जाना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन बहुत आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि इंट्रोडक्शन में कभी भी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपना नाम बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताते हैं, उसके बाद अपनी एकेडमिक्स के बारे में बताते हैं। इस तरीके से स्टेप वाइज आपको इंट्रोड्यूस अपने आप को करना है। फिर आप जो भी क्वेश्चंस, जो भी चीजें आंसर करोगे उसी के बेसिस पे वो आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जैसे आपने कुछ हॉबी बताई, ठीक है, क्रिकेट के बारे में, तो थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप वही मतलब उनके माउथ में वही वर्ड पुट करिए जिसके बारे में आपको जानकारी है। जैसे अगर आप बनारस से आते हो तो बनारस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ब्रीफ लेवल पे, बहुत डेप्थ में नहीं कर रहे, बहुत हम्बल होते हैं वहां पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। आपको बस आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। और बहुत 4 से 5 मिनट का ही इंटरव्यू होगा, लेकिन जो हम आपको यहां पर मॉक इंटरव्यू कराएंगे वो 20 से 30 मिनट का लेते हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चन हम कवर कर सके, ठीक है ना। और ब्रीफ आंसर्स आपको देने होंगे क्योंकि आप जितना आंसर्स दोगे, ठीक है, उसके बेसिस पे ही वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करते जाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी पूरी डेप्थ एनालिसिस समझ जाएंगे कि कैसे। बेसिकली ये सारे टेस्ट का मकसद यही है कि वो चेक करना चाहते हैं कि जो एक आर्म फोर्सेस में एटीट्यूड होता है वो आपके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। वो आपके अंदर से वो पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं, बस उनका यही मकसद है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक है ना। मेडिकल के अनुसार बहुत सारे मेडिकल के पैरामीटर्स होते हैं, वो पूरा कराया जाएगा आपको। पूरा लड़कों के लिए अलग से, लड़कियों के लिए अलग से मेडिकल होता है, ठीक है। तो जब आप मेडिकल, बहुत सारे बच्चों का मेडिकल में ही छट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पैर की उनकी प्रॉब्लम होती है या कान की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो मेडिकल्स तो आपको वहां करा के ही
नहीं पता चलेगा कि आप मेडिकल में क्या है, बाकी सारी चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारी मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम आपको मॉक इंटरव्यू लेके समझा सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को कैडेट्स, ठीक है, आप AFMC में जाएं, ठीक है, आप सेलेक्ट हो, हमारी पूरी टीम चाहती है यही, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हमसे प्रिपेयर करना या हमसे गाइडेंस लेना, टॉयलर के टेस्ट देना, पैट के टेस्ट देना, इंटरव्यू मॉक लेना, ठीक है, तो वो आप हमारी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो, नंबर पे कॉल करके भी समझ सकते हो या ऐप डाउनलोड करके भी समझ सकते हो। पूरी डिटेल यहाँ पे दी भी हुई है, ठीक है ना। मात्र 3000 रुपये में आप कंप्लीट सर्विस ले सकते हो, जिसमें आपका AFMC का रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअली में AFMC में कैसे इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड ऑल द बेस्ट for your interview।